अमेरिका में दो भाइयों के बारे में एक कहानी सुनने मिली। वह कहानी कुछ इतनी अनोखी थी कि हर फोटोग्राफर, हर रिपोर्टर जो है उन भाइयों की खोज में निकल पड़ा। तो एक फोटोग्राफर दोनों भाइयों में से एक भाइयों के पास पहुंचता है और पूछता है कि आप इतने दारू पी के आते हैं, अपने बीवी को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, पूरी दुनिया से आप हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, क्या बात है? तो वह व्यक्ति यह जवाब देता है, जब मैं छोटा बच्चा था मेरे पिताजी दारू पी के आया करते थे, मुझे मारते थे, मेरे माता जी को मारा करते थे। अब आप ही मुझे बताइए मैं उनसे क्या सीखूं? मैंने उनसे सीखा दारू पी के आना, गाली देना, बच्चों को मारना और अपने बीवी से झगड़ा करना। वही रिपोर्टर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और सवाल करता है, आप इतने अच्छे रुतबे में हैं, इतने अच्छे पोजीशन में, बैंक में मैनेजर हैं, क्या बात है, आपने कैसे यह मुकाम हासिल किया? वह व्यक्ति कहता है, जब मैं छोटा बच्चा था मेरे पिताजी दारू पी के आया करते थे, मुझे मारते थे, मेरे माता जी को मारते थे, मैंने तभी निर्णय कर लिया था, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इनके जैसा कभी नहीं बनूंगा। कहानी का सार क्या है? दो भाई, एक घर, एक पिता, अलग अलग नजरिया। कहने मतलब यह है कि आपको तय करना है, अगर आप में सक्षम है, दिमाग आपका पूरा काम करता है अच्छे तरीके से, तो आपको सही और गलत की अगर जानकारी है तो आप हमेशा नकारात्मक से निकल कर सकारात्मक रवैये को पकड़ सकते हैं और नकारात्मक के दोष को, नकारात्मक विचार को हटा के सकारात्मक विचार करके भी आप सकारात्मक बन सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। नकारात्मक व्यक्ति हमेशा अपने माँ बाप, गुरु, अर्थव्यवस्था और अपने माहौल को हमेशा दोष ठहराते हैं। वहीं सकारात्मक व्यक्ति उस दोष में से निकाल के सकारात्मक बनते हैं और सफल हो पाते हैं। ठीक इस भाई की जैसे जो बैंक में बहुत अच्छे पोजीशन में है, लेकिन दूसरा भाई आज भी समाज में अपनी पहचान के लिए भटक रहा है। नजरिया वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, विनम्र होता है, उसे सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान होता है, उसे नकारात्मक लोगों की विचारधारा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि आप जानते हैं एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? आप सभी जानते हैं, उसे राइट ब्रदर्स ने बनाया। जब राइट ब्रदर्स ने यह बात सोची कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो हवा में उड़े पक्षियों के जैसे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्यों को इधर उधर ना किया। नकारात्मक लोगों के कारण वे अपने लक्ष्यों को हटाए नहीं, अपना ध्यान लक्ष्य में रखा। और आज आप जानते हैं एरोप्लेन जैसी चीज़ कोई है और हम लोग लाखों किलोमीटर्स का सफ़र बहुत ही चंद मिनटों में कर जाते हैं। अगर राइट ब्रदर्स नकारात्मक लोगों के कारण अपने डिसीजन को बदल देते तो आज हम लोग इतना अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहे होते। तो आपको तय करना है कहीं नकारात्मक लोगों के कारण आप अपने व्यवहार को या अपने निर्णय को बदल तो नहीं रहे हैं। एक बार एक आदमी बहुत नाराज है, हताश है अपने जिंदगी से, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके पैरों में जूते नहीं हैं, और इस बात से दुखी होकर वह चलते चला जाता है। वह सोचता है मैं आज जाके आत्महत्या कर लूंगा। इस बात से वह दुखी होकर जाते जा रहा है, अचानक उसके सामने एक व्यक्ति गुजरता है और उसे कहता है, गुजरते हुए वो उसे कहता है, व्हाट अ ग्रेट डे सर, आज क्या सुहाना दिन है जनाब। यह कहते के बाद वह उसके सामने से गुजर जाता है। यह व्यक्ति जो आत्महत्या करने के लिए जा रहा होता है, अचानक पलट कर देखता है वह व्यक्ति जो जिसने उसे कहा आज क्या सुहाना दिन है, उसके तो दो दो पैर ही नहीं है। इस बात से हैरान होकर वह इतनी घृणा करता है वह व्यक्ति, वह सोचने लगता है कि वह व्यक्ति जिसके दो पैर नहीं है वह कह रहा आज कितना सुहाना दिन है, भगवान ने मुझे इतना अच्छा मस्तिष्क के दो हाथ दो पैर दिए हैं और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ सिर्फ इस बात से सोच कर कि मेरे पास कुछ नहीं है। यहीं पर नकारात्मक और सकारात्मकता में आपको चुनना है कि आप अपने आप को कितने सकारात्मक रवैये से ले रहे हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो इंसान जो है सबसे अक्षम प्राणी है। मैं आपको इस बात को और गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ ना। इंसान कभी चिड़िया जैसे उड़ नहीं सकता आकाश में, बादलों में। एक छोटे से कीड़े के काटने से वह मर जाता है। वह बंदरों जैसा पेड़ पर लटक नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता। ना उसके गिद्ध जैसे पैनी आँख है कि वह ऊपर से देख पाए, और ना ही उसके पंजे और दांत हैं बाघ या शेर जैसे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इंसान जैसा अक्षम प्राणी कोई नहीं, लेकिन भगवान ने इंसान को एक सोचने की एक अजीम शक्ति दी है जिसके कारण वह इन खतरनाक जानवरों को भी अपने कैद में अपना गुलाम बना सकता है। और यही है सकारात्मक नज़रिया। अगर आप अपने दिमाग का सही तरीके से विचार करते हैं, उसे सकारात्मक बनाते हैं, सकारात्मक बनाने के बाद आप
अपने से 100 गुना वजनी जानवर को भी अपना गुलाम बना सकते हैं, और यही है सकारात्मक नजरिया। सवाल तो सिर्फ यह है कि आप अपने अंदर, आपको भगवान ने जो शक्ति दी, क्या आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? हम अक्सर नकारात्मक देखने के कारण ये सारी शक्तियों को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। अक्सर देखा जाता है भगवान हमें जिस उद्देश्य के लिए पैदा करता है, उस उद्देश्य को ना हम पकड़ पाते हैं। अगर हम पकड़ पाते हैं तो नकारात्मकता के कारण हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते और हम उस उद्देश्य तक पहुंच नहीं पाते। तो मैं आपसे फिर से कहता हूं, आप अपना रवैया सकारात्मक करें और उस उद्देश्य को प्राप्त करें जिसे लिए भगवान ने आपको इस दुनिया में बनाया है। का लकड़हारा एक कंपनी में काम करता है, उसका काम है लकड़ियाँ काटना। लकड़ियाँ काट काट के वो अपना पूरा जीवन बसर कर रहा होता है। जिन सालों से उसे एक ही आमदनी मिलती जाती है और वह अपनी ज़िंदगी चलाता जाता है। अचानक श्याम नाम का एक व्यक्ति, एक लकड़हारा आता है और कंपनी उसे 3 महीने में प्रमोशन दे देती है। राम इस बात से नाराज़ होकर मैनेजर के पास जाता है और कहता है, जनाब मैं सालों से आपके यहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया। श्याम नाम का लकड़हारा आया है, 3 महीने में आपने उसे प्रमोशन दे दिया। मैनेजर कहता है, हमारे यहाँ जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है, जो ज़्यादा पेड़ काट के लाता है, हम उसी को प्रमोशन देते हैं। आप तुम सालों से उतने ही पेड़ काटते जा रहे हो, लेकिन श्याम आने के बाद दिन ब दिन ज़्यादा पेड़ काटते जाता है, इसलिए उसे प्रमोशन दिया गया। यह बात सुनने के बाद राम दोबारा जाता है जंगल में और कड़ी मेहनत करता है और करता है, लेकिन दोबारा मैनेजर के पास आने के बाद कहता है, जनाब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अभी भी उतनी ही लकड़ियाँ काट पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात है। मैनेजर राम को कहते हैं, एक काम करो, तुम मोहन के पास जाओ और उससे बात करो और उससे पूछो, हो सकता है वह इस बात को जानता हो जो तुम और मैं नहीं जानते। राम मोहन के पास जाता है और पूछता है, क्या बात है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन लकड़ियाँ नहीं काट पा रहा हूँ। इस बारे में मोहन जवाब देता है, हर एक पेड़ काटने के बाद मैं अपने कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी में आखिरी बार धार कब लगाया? मैं भी आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने ज़िंदगी में धार लगा रहे हैं? धार क्या है? आप जब नए नए ज्ञान शिक्षा लेते जाते हैं तो यह अपने ज़िंदगी में धार लगा रहे हैं। आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह धार से कम नहीं, क्योंकि यह वीडियो आपको सफलता के उस पायदान में पहुंचाने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है जिससे आपका नकारात्मक रवैया सकारात्मक बदलेगा। और इसी प्रकार आपको समय समय पर धार लगाते रहना है, आपको पूरा ज्ञान अर्जित करते जाना है। अगर आप एक ही ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो कुल्हाड़ी है वह धार वृत्त हो जाएगा और आप ज़्यादा पेड़ नहीं काट पाएंगे, आप ज़्यादा सफलता नहीं कर पाएंगे। उस सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप धार लगाएं, समय समय पर आपको धार लगाना है और आपको बढ़ना है। मैं फिर से आपसे सवाल करता हूँ, आपने आखिरी बार अपने ज़िंदगी में धार कब लगाया?